हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। महिलाओं पर अत्याचार की कहानी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। साल 2020 में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना कम होने के बजाय बढ़ती गई। रोजाना रेप के 77 मामले दर्ज हुए, जिसमें राजस्थान नंबर 1 पर है, जहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं। दरअसल NCERB के मुताबिक साल 2020 में बलात्कार के 28,040 मामले दर्ज हुए। महिलाओं के साथ रेप की बात करें तो देश में पिछले साल 3,72,503 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में इसकी संख्या 4,53,026 और 2018 में 3,78,236 मामले सामने आए थे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बड़ी संख्या में दुष्कर्म के मामले सामने आए। 2020 में दुष्कर्म के कुल 28,040 मामले दर्ज हुए और 28,153 महिलाएं अपराधियों की शिकार बनी, जहां इन पीड़ितों में 25,498 वयस्क जबकि 2655 पीड़ित 18 साल से कम उम्र की थीं। 2019 में दुष्कर्म के कुल 32,033 मामले, 2018 में 33,356 मामले और 2017 में 32,559 मामले दर्ज हुए थे। यानी 2020 में रेप के मामलों में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से रेप केस में कमी देखने को मिली है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे अधिक 5,310 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 2,769 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, यहां 2,061 रेप के केस दर्ज हुए। चौथे नंबर पर असम है, जहां रेप के 1,657 मामले सामने आए हैं। वहीं NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 19 महानगरीय शहरों में दिल्ली ने 2020 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं। इसके बाद मुंबई, बंगलुरु और लखनऊ है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।